बहुत बहुत स्वागत है आपका वीकली न्यूज़ सीरीज 7 में। इसमें हम जनरल न्यूज़, ऑटोमोबाइल न्यूज़, टेक्निकल न्यूज़, एंटरटेनमेंट न्यूज़ और आईपीएल न्यूज़ को विस्तार से जानेंगे। इस वीक का जो वीकली न्यूज़ है थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है क्योंकि लोगों की क्वेरीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। तो आइए वीकली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल न्यूज में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा हुआ। तीसरे और अंतिम दौर का 78 विधानसभा सीटों पर हुआ 57% से अधिक मतदान। 10 नवंबर को सभी 243 सीटों पर होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह में युवाओं को कामयाबी के लिए दिया नया मंत्र। कहा, बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ विश्वसनीयता और नवाचारों को दे बढ़ावा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुहैया कराने के लिए जताई प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास की बताई जरूरत। आचार्य एनजी रंगा की 120वीं जयंती समारोह को किया संबोधित। किसानों को रिनोवेशन, जनरेशन और मोटिवेशन का दिया मूल मंत्र। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो की एक और बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से PSLV-C49 रॉकेट के जरिए 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट 01 से हर मौसम पर रहेगी नजर। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि आम जनता को 2022 तक कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार करना पड़ सकता है। बाजार में इस वैक्सीन की आसानी से उपलब्धता एक साल बाद ही हो पाएगी। आईपीएल न्यूज में आईपीएल के अंतिम महासमर में महारथी मुंबई का सामना दिल्ली से होगा। पांचवा खिताब जीतने के इरादे से लेकर उतरने वाली सितारों से सजी मुंबई इंडियंस मंगलवार को यहां आईपीएल फाइनल में उतरेगी तो उसके सामने पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाली आत्मविश्वास से ओत प्रोत दिल्ली कैपिटल्स खड़ी होगी, जिसके पास मैच विनर्स की कमी नहीं है। रोमांच से भरपूर मुकाबलों के 52 दिन पूरे होने के बाद इस खास आईपीएल का एक आखिरी मुकाबला शेष है। खास इसलिए कि तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इसके सफल आयोजन ने दर्शकों को कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुए नकारात्मकता से निजात जाने में मदद की है। एंटरटेनमेंट न्यूज़ में वेब सीरीज़ में गालियों के चलन पर भड़के जेठालाल, बोले हर चीज़ की एक सीमा होती है। टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिलीप जोशी ने OTT प्लेटफॉर्म पर निशाना साधा है। उन्होंने वेब सीरीज़ में गालियों के इस्तेमाल और अश्लीलता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने 4 मूवी को 9+ की रेटिंग दी है IMDb पे। डिसअपॉइंटिंग टाइटल से बचने और बढ़िया इंप्रेसिव मूवीज़ देखने के लिए आप देखें द शशांक रिडेम्पशन, द गॉडफादर, द गॉडफादर पार्ट 2 एंड द डार्क नाइट। ये मूवीज़ आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती ने जमानत अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सौविक ने मुंबई की स्पेशल NDPC कोर्ट में याचिका दाखिल की है। टेक्नोलॉजी न्यूज़ में वीवो अब ओरिजिन OS को 18 नवंबर को लॉन्च कर देगा। कंपनी ने इसको 19 नवंबर को ऑफिशियली लॉन्च करना था पर अब यह 18 नवंबर को ही लॉन्च कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ने आखिरकार भारत में पेमेंट्स फीचर लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप पे को धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है, तो ऐसे में यदि आपको अब तक अपने व्हाट्सएप पे ये फीचर नहीं दिखाई दिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फीचर जल्दी आपको इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। OnePlus ने ऑक्सीजन OS 11.0.1.1 के रोल आउट को रोक दिया है। ये रोल आउट OnePlus 8 और 8 Pro में डाटा वाइप और दूसरे इश्यूज़ के कारण रोका गया है। ऑटोमोबाइल न्यूज़ में निशान मैग्नाइट की कीमत संभवतः 5.5 लाख से शुरू होगी। यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की सबसे अफोर्डेबल ऑफरिंग साबित हो सकती है। ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। टर्बो वेरिएंट की कीमत लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा हो सकती है। इस महीने किया ने 21,000 यूनिट की बुकिंग रिसीव की है और इस साल भारत की 4th मोस्ट सोल्ड मैन्युफैक्चरर का खिताब जीता है। मारुति हुंडई या टाटा के बाद किया का ही नंबर है। पिछले 15 महीने में इसने 1.5 लाख यूनिट से भी ज़्यादा गाड़ियाँ सेल कर यह पोजीशन पाई है। इसमें मेजर शेयर किया सेल्टोस का रहा है और इस वक्त किया सोनेट धमाल मचा रही है। TVS द फियरो 125cc के अवतार में लाने के प्रयास में है। इस वक्त TVS की एंटॉर्क ही एकमात्र 125cc वाली स्कूटर है जो मार्केट में उपलब्ध है। फियरो के लॉन्च से स्टार सिटी और अपाचे के बीच का गैप भर जाएगा। न्यू i20 को 5 नवंबर को 6.80 लाख मैग्ना वेरियंट से लॉन्च कर दिया गया है। यह इंट्रोडक्टरी प्राइस है। न्यू i20 की कीमत 6.80 से 11.18 लाख है। न्यू i20 टर्बो इंजन को 8.8 से 11.18 लाख के ब्रैकेट में प्राइस किया गया है और डीजल इंजन को 8.2 से 10.6 लाख के प्राइस ब्रैकेट में रखा गया है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी मोस्ट अवेटेड मीटियोर 350 लॉन्च की है। पहली बार स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलेगी इसमें। ग्राहक इसे फायरबोल्ट, सेटलर और सुपरनोवा के 3 अलग अलग वेरियंट में खरीद पाएंगे।